आज बच्चों के मन की बात में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं है। मैं जब बहुत भयंकर उलझन में होता हूँ अपने जीवन के, तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं राकेश सर की किताब पढ़ूं या भगवत गीता पढ़ूं। डोंट वेट कि मेरे पास थाली आए परोसी हुई और मैं उसको खा लूं। अपनी थाली खुद उठाइए, अपना खाना खुद चुनिए और उसके बाद उसको खाइए। मुझे आज ये एहसास होता है कि मैंने जितना पैसा कमाने के लिए अपना वक्त दे दिया जीवन का बहुत बड़ा, मुझे ये भी शायद सही से याद नहीं है कि मुझे मेरी बेटी का बचपन कैसे बीता। इंसान बुढ़ापे में जाके जब कुछ करने की हालत नहीं है और कांपते हुए हाथ है और कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और मैं कहती हूँ भगवान भी ऊपर बैठे बैठे बोल रहे हैं कि अब तुम क्या, अब हम बुलाएंगे तुमको। मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा मेहनत करना है, फर्स्ट आओ सेकंड आओ कुछ भी ना हो मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस मुझे मेहनत दिखनी चाहिए। तो अगर जब आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का है या उसकी लड़की है, तो वो शर्मा जी कैसे हैं ये भी पहले देखिए, कि वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या वो कैसा माहौल घर में रख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज बच्चों के मन की बात में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ उस व्यक्तित्व से जिसको आप बहुत सुनते हैं, बहुत सराहना करते हैं और बहुत लोग उनका पालन भी करते हैं। तो जय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के मन की बात जो हमने शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों की जो बात है, बच्चों के मन के जो डाउट हैं, बच्चों के जो सवाल है, वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जाएँ जो उस चीज़ के बारे में बहुत डीपली नॉलेज रखता है और आपकी कुछ मदद कर सकता है। हमारा अक्सर ये मानना रहा है कि हर बच्चे को भगवान श्री राम नहीं मिल पाता और हर बच्चे को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल पाता। तो आज के वक्त में कहीं ना कहीं हर बच्चे को ज़रूरत है एक सच्चे गुरु की और एक सच्चे व्यक्ति की जो उसकी सच जानकारी उसके सामने लेके आए। तो मैं, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे भरत थे, उनके जीवन में बहुत कन्फ्यूजन था जब भगवान श्री राम वनवास पर चले गए और उन्हें पता चला, तो बड़े व्याकुल हुए और वो भगवान राम से मिले आकर, और उन्होंने अपना सारा व्यथा गाया, मन की जो उलझन थी वो गई कि पिता का देहांत हुआ उसका जिम्मेदार मैं, आप वनवास पे गए उसके जिम्मेदार मैं, मेरी माता की तबीयत खराब रही उसका जिम्मेदार मैं, तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। ऐसे ही एक वक्त आया जब युद्ध महाभारत का शुरू हुआ और अर्जुन ने सारे हथियार छोड़ दिए और उसका मन विचलित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जिन व्यक्तियों को एक ना एक दिन मरना है उनको मैं अपने हाथ से क्यों मारूं, और ये तो मेरे सगे हैं, अपने हैं। तो उनके मन में बहुत बड़े लेवल पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ इन दोनों ही हस्तियों में। तो भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि उनके रिश्तेदार थे, भरत के भाई थे भगवान श्री राम और अर्जुन के रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण, वो द्रौपदी को मुँह बोली बहन बोलते थे, तो इस हिसाब से उनका रिश्ता बहुत दूसरा होगा। तो वहाँ पर तो वो लोग थे जिन्होंने उनको जीवन की सही दिशा दिखाई और उनके जो मन में जो भूचाल उठा हुआ था, संशय उठा हुआ था, उसको समझाया। लेकिन आज के समय में हर बच्चे जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की या अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस बच्चे के पास ना तो भगवान श्री राम जैसा भाई है, ना श्री कृष्ण जैसा रिश्तेदार है जो उसको उस सटीकता में वो ज्ञान दे पाए। तो आप उस बच्चे को अपने विचारों से वो ज्ञान की दृष्टि कैसे देना चाहेंगे कि जीवन में जो ये उलझने उसके सामने आती है, उस उलझनों से कैसे बचे, वो कौन सी ताकत आप उसे देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है आपने जो बात कही डेफिनेटली बिल्कुल सच है कि स्वाभाविक तौर से आज श्री कृष्ण या श्री राम हमारे सामने नहीं है हमें जो सीख दे, पर अस्वाभाविक तौर से वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं है, कि जिसने उसको समझ लिया वो एक तरीके से जीवन को कैसे जीना है ये समझ लेता है कि जब कन्फ्यूजन आए तो क्या करना है, जब वचन फर्ज की बात आए तो क्या करना है, जब जैसे श्री राम के पास जब सीता माता का हरण होता है तो सेना नहीं थी बिल्कुल, और उनके पास एट प्रेजेंट जंगल में वानर ही थे, उन्होंने वानरों की सेना तैयार करी, यानी जो है उसी से बेस्ट निकालो।
ना कि वेट करो कि जिस दिन बेस्ट मिलेगा उस दिन मैं काम शुरू करूंगा, जो है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। तो आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है स्क्रिप्चर्स का मतलब पूजा पाठ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो कहीं भी वहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया जा रहा कि आप पूजा करिए, आप ये पूजा करिए, ऐसा पाठ करिए। उसमें आपको सीधा सीधा बता रहा है कि जब आपकी स्थिति अर्जुन जैसी हो जाती है तो आपको क्या जिंदगी में सीख लेनी चाहिए, उस कंफ्यूजन से कैसे दूर होना चाहिए, उसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, क्या एक्सेप्टेंस आपके लाइफ में ज़रूरी है, वो सब आपको एक डिटेल्ड फॉर्मेट में समझाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्चर पढ़ना आपकी लाइफ में बहुत अर्ली एज शुरू हो जाना चाहिए। हम बहुत लेट शुरू करते हैं, हम भगवान को, क्योंकि अगेन हमारा ये मिथ है भगवान मतलब पूजा पाठ, वो तो बुढ़ापे में करेंगे, उसका भी क्या काम है। लेकिन स्क्रिप्चर्स अर्ली एज में ज़रूरी है, क्योंकि जितना कंपटीशन आज है, जितना एक्सपोजर आज है और जितना कंफ्यूजन आज है, उतना पहले नहीं था। तो आज तो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि ये आपके माइंड को स्टेबल रखते हैं। जब तक माइंड स्टेबल नहीं होगा डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, कंफ्यूजन कंटिन्यूसली आता जाएगा। जिस दिन माइंड स्टेबल हो जाएगा आप देखेंगे सॉल्यूशंस अपने आप आपको मिल रहे हैं, आप खुद चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम उलझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। अच्छा, आपने दो तीन चीज़ें इसमें मुख्यतः कही, मैं उन दोनों तीनों पे ही अपना अगला सवाल फ्रेम करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारे आज से करीबन 30 से 40 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमारे दादाजी या दादी जो रहती थी, नाना नानी, वो ये ज्ञान हमें फीडबैक किया करते, फीड दिया करते थे। हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो या तो खेती करते थे या नौकरी करते थे, उनके पास समय नहीं होता था, लेकिन एक पहले सारा परिवार एक साथ रहता था तो जो बुजुर्ग होते थे वो हमें ज्ञान दे देते थे। अब क्या समस्या हो गई कि परिवार शहरों में चले गए, बहुत छोटा परिवार हो गया, मियाँ बीबी हैं, एक बच्चा है, उनको अपनी जॉब भी रख करनी है दोनों को, और पूरे दिन जब वो जॉब से थक के आते हैं तो वो बच्चे में वो स्किल तो डेवलप कर नहीं पाएंगे, वो गुण तो दे नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो बच्चे के सामने समस्या खड़ी हो गई। दूसरी, आज का जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो उन किताबों में या उस पुराने ज्ञान में शायद उतना विश्वास नहीं रखता जितना रखना चाहिए था। आज के समय में बच्चा, और ये सच भी है, स्वाभाविक भी है, कि शायद कहीं ना कहीं उस ज्ञान को उस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला भी होना चाहिए, और यही कारण है कि आप जैसे लोग हैं और उस दृष्टि को दे रहे हैं। उस समय का अगर हम समय देखें तो एक समय अलग था, ना आज जितना मॉडर्न था, ना गाड़ियाँ थी, ना पोल्यूशन था, ना ये व्यवहार था, ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतनी कूटनीतियाँ थी जो अब हर कदम पे हो रही हैं। तो बच्चा विश्वास कैसे करे उस ज्ञान पे कि वो जो उस समय आज से हजारों साल पहले की बात है वो आज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इस बात पे वो विश्वास कैसे करे, उसका विश्वास कैसे बनाया जाए। आपने कहा कि समाधान इन गीता जी में है, शिव पुराण में, हर एक वेदों में है, लेकिन बच्चे का विश्वास ही नहीं उस तरफ, बच्चे में इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो इतना लंबा पढ़ पाए, चीजों को जान पाए। आपको भी शायद कहीं ना कहीं आपके दादा दादी, आपके पूर्वजों ने धीरे धीरे चीजें फीड की होंगी बचपन में, लेकिन अब वो वक्त तो रहा ही नहीं, बच्चे में वो चीजें धीरे धीरे करके फीड हो नहीं रही और विश्वास बन नहीं पा रहा। तो उस विश्वास पे आप क्या कहना चाहें, कैसे बनाएं? देखिए, पहला तो फीड नहीं हो रही तो वो भी एक चेंज हो सकता है कि होनी चाहिए। जैसा आपने कहा एग्जैक्टली कि पेरेंट्स बिजी है, लेकिन क्या वो मनोरंजन नहीं कर रहे? वो अगर वीक में 6 दिन काम कर रहे हैं तो क्या एक दिन वो छुट्टी नहीं ले रहे? तो हम कथा में एक बात कहते हैं कि इंसान दुनिया की हर चीज में मर्यादा डिसिप्लिन रखता है, सिवाय भगवान में। भगवान उसको वो अपने हिसाब से टाइम देता है, मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी वो स्कूल भी टाइम पे जा रहे हैं, ऑफिस भी टाइम पे जा रहे हैं, ट्यूशन भी टाइम पे जा रहे हैं, शादियां भी टाइम पे अटेंड कर रहे हैं, मनोरंजन भी टाइम पे हो रहा है, संडे के दिन छुट्टी का दिन है, आप हर चीज के लिए टाइम निकाल रहे हो सिवाय स्क्रिप्चर्स या भगवान या जो अच्छी सीख है। और फिर हम कह रहे हैं कि हमको सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, आप सोल्यूशन के लिए काम ही नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास हर चीज के लिए समय है तो आपको इस चीज के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आपको दवाई दे दे और आप ये कह दे मेरे पास दवाई लेने का टाइम नहीं है, तो आप बीमार पड़ेंगे। रास्ता तो दो ही है ना, या तो आप दवाई लेकर ठीक हो जाइए
या तो आप बीमार रहकर रोते रहिए कि मैं बीमार हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा दवाई लेने का। तो इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि जैसा आपने कहा, हम समझ गए हैं कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता, इस वजह से अब ऐसा होने लगा है, यानी आपको समझ तो आ गया है। दूसरा, आपने कहा कि विश्वास पैदा कैसे करें। ठीक है, आप विश्वास मत करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी, मैं नहीं कहूँगी मुझे डे वन से पूरा विश्वास था, मुझे डे वन से हर चीज़ समझ में आने लग गई थी, मुझे डे वन से पता था अरे सब कुछ सही है। मेरे अंदर बहुत क्वेश्चंस थे, और स्क्रिप्चर्स तो क्वेश्चंस का ही नाम है, गीता जी इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। और अर्जुन उनसे क्वेश्चन करे जो भगवान है, जिनसे करने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर की जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए। आप आंख बंद करके पट्टी मत बांधिए, आप विश्वास करने की बजाय अपना रिसर्च खुद करिए कि मैं पढ़ के देखता हूँ मेरे लाइफ में कितनी चीजें ये लागू होती है, नहीं होती है। तीसरा, आपने कहा कि पेशेंस नहीं है उसके अंदर, इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने ये चीजें छोड़ दी है। आप अगर पहले के रिचुअल्स देखिए, जिस तरीके से लंबे लंबे होते थे, एक्चुअली क्या है, पेशेंस है ना आपके अंदर। आप आराम से बैठे हैं, आप कई घंटों तक चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिचुअल्स को समझ रहे हैं। आज आप शादियों में जाइए, लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी टाइम नहीं है, पंडित जी आपके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, आप हर चीज में जल्दबाजी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अरे मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। तो आपको पेशेंस के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, कि पेशेंस के लिए आप चाहे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आपके जो कैजुअल रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर का धैर्य पैदा हो। तो एक बैलेंस बनाइए मशीन्स और नेचर के बीच, जो नेचुरल चीजें हैं उनको ज्यादा रखिए, मशीनों को रखिए पर हल्का उसका यूसेज कम करिए, और आप देखेंगे आपका पेशेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। ये सबसे जरूरी चीज है कि मशीनी यूज कम करना है, खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, हैबिट तैयार करनी है। और आपने एक सवाल बीच में उठाया कि जब तक आप उधर नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं उन चीज़ों को, तो आप में ये चीज़ें बनेंगी कैसे, विश्वास कैसे होंगी। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि जो गीता जी हैं या कोई भी ज्ञान है, उसका मतलब ही है कि आप अपने सवालों का जवाब लें जी। लेकिन समस्या ये है कि अब जो फास्ट टाइम आ गया है, बहुत तेज युग बन गया है, इसमें सटीक उत्तर देने वाला कोई है नहीं, और जब तक अंतिम सटीकता नहीं आती है तब तक आदमी विश्वास करता नहीं है। जैसे मुझे जो ज्ञान है वो गलत हो सकता है, फैक्चुअल पे मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों के मन की बात जया जी तक पहुँचा दी जाए। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, तो पहला उन्होंने शायद भक्ति भाव पे दिया, और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि आप मेरी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति में लीन है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप हथियार चलाइए, लेकिन उस समय श्री कृष्ण तैयार नहीं हुए। दूसरा उन्होंने जो दिया वो कर्म का पाठ दिया, कि कर्म समझाया उनको, लेकिन उस कर्म के बाद भी वो तैयार नहीं हुए युद्ध करने के लिए। इसी तरीके से अंतिम जो पड़ाव आया वो आया दिव्य ज्ञान का, जब उनको दिव्य ज्ञान दिया तब वो अपने शस्त्र लेकर उस युद्ध के लिए तैयार हुए। तो सच्चा ज्ञान लेने के लिए बहुत चरण जाना पड़ता है। अब आपकी कोई रील देखी, उसमें एक चरण आया, वो चरण थोड़ा समझ आया, अगली बात हो सकता है कि उसका अगला चरण आपसे पूछा ना गया हो, तो वो बात बच्चे को पता ना हो, या किसी से ना पूछा गया वो पता ना हो। तो आज का जो समय है वो थोड़ा अनसुलझा समय है, चीजें सुलझे हुए रूप में प्रकट नहीं हो रही, और जब तक चीजें सुलझे हुए रूप में प्रकट नहीं होंगी तो बच्चे का मन विचलित रहता है, विश्वास कैसे करें। और वो जब तक उसको पूरा दिव्य ज्ञान ना मिले तब तक वो उस चीज तक पहुंच नहीं पाता। मैं खुद भी दो पुत्रियों का पिता हूं, और मैं बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूं, और मैं खुद भी भगवद गीता पढ़ता हूं, लेकिन मैं भी थोड़े समय के बाद कहीं ना कहीं विचलित हो जाता हूं। तो इस विचलन का कोई उपाय है क्या, इस विचलन से रोका जाए? और आप इतने दिनों तक कंटिन्यू कैसे रह रहे हो उस चीज के ऊपर, उसका कोई ऐसा तरीका है जो आप बता सके? देखिए, फर्स्ट मैं हमेशा कहती हूं कि आपको बच्चों को तैयार करना है कि वो खुद अपना रिसर्च करें। जैसा हमने पहले भी ये बात कही कि हम ये क्यों सोच रहे कि उसको ये आंसर नहीं किसी से मिल रहा, या मेरी आप मुझ पे क्यों निर्भर हो। कल को मैंने अपना आईडी बंद कर दिया तो क्या आप कर देंगे अरे हम मेरा तो यही सोर्स था इन्फॉर्मेशन का, ये चले गए अब तो मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म। अरे मैं एक्स वाई जेड कोई भी आपका सोर्स नहीं होना चाहिए, आपके सोर्स आप खुद बनिए। आप 10 लोगों को सुनिए लेकिन किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, उसके बाद भी आपका रिसर्च अपना होना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात कि गीता जी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर देती है। क्यों? बात तो एक ही है भगवान ने, तो ऐसा नहीं आपके पास जो गीता जी आ रही इसमें बात अलग है, कृष्ण जी ने आपके लिए कुछ और कह दिया, उनके लिए कुछ और कह दिया, बात एक ही है। पर क्यों मैं उसको अपने तरीके से ले रही हूं, आप उसको अपने तरीके से ले रहे? क्योंकि वो एक्चुअली एक मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है। सबका मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। आपको वही श्लोक मुझे हो सकता है एक डिफरेंट मीनिंग दिखाएगा और आपको एक डिफरेंट मीनिंग दिखाएगा। तो इसीलिए आपका रिसर्च करना बहुत जरूरी है। डोंट वेट कि मेरे पास थाली आए परोसी हुई और मैं उसको खा लूं। अपनी थाली खुद उठाइए, अपना खाना खुद चुनिए और उसके बाद उसको खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी और दूसरे की बॉडी अलग है। उसके लिए जो खाना अच्छा है जरूरी नहीं आपके लिए अच्छा होगा। तो आपका खाना आपको खुद को चुनना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर हम, क्योंकि जैसे आपने कहा इंटरनेट का जमाना है, हमारे लिए हर चीज बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स हर चीज मिल जाती है, और इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हमें हो रहे हैं कि वो विद इन सेकेंड्स बंद करिए, उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, लेकिन उसके अलावा अपना रिसर्च आप खुद करिए। एक जगह से किसी ने बोल दिया उसको मानना नहीं है, 10 जगह सुनिए और तब जाके फिर आपको लग रहा है ये मेरे लिए रिलेटेबल है, ये मुझे हेल्प कर रहा है, तब जाके आप उसको अपनी लाइफ में उतारिए। बहुत अच्छी बात कही, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी मैम का जो कहना है वो ये ड्यूटी है कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 8 साल का या 10 साल का बच्चा भगवद गीता हर एक बच्चा पढ़ना शुरू कर दे और उसमें खुद ही खुद ये सत्य ज्ञान आ जाए कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है इससे मुझे असली सत्य का पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स के लिए भी ये बात जरूरी है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसमें अच्छे संस्कार तैयार हो, सांसारिक बच्चा तैयार हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, तो कहीं ना कहीं हमको भी उस बच्चे में शुरुआत से इनपुट डालने होंगे कि वो इस तरफ जाए और अच्छी चीजें पढ़े। मैम, जब बच्चा छोटा होता है ना, और जब वो 12-15 साल का होता है और छोटी आंखें होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े सपने सोचता है वो, और जब वो उन सपने को पाने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि एक 10th क्लास का बच्चा है और वो 10th क्लास में उसको पता चला कि एक IAS बहुत अच्छी पोस्ट होती है और मुझे IAS बनना है। वो IAS बनने की धीरे धीरे तैयारी करता है, मन को बांधता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि IAS की तैयारी में उसके 3 साल निकल जाते हैं, 4 साल निकल जाते हैं उस तैयारी के प्रोसेस में, और वहाँ वो कहीं ना कहीं उस पेशेंस को खो देता है। दूसरा, ये एक बच्चे नहीं, हर एक बच्चे के साथ है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बात करूं तो पहले टोटल ही गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन की तैयारी करने वाले कुछ 10-11 लाख बच्चे होते थे। आज के समय में लगभग 4.5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है और वैकेंसी पूरे भारत में अगर मैं कुल मिला के लगा लूं तो 1 लाख वैकेंसी होगी। तो कॉम्पिटिशन आप समझ ही रहे हैं किस गति पे चला गया। समस्या ये है, मैं एज ए स्टूडेंट होते हुए, मैं जब बहुत भयंकर उलझन में होता हूँ अपने जीवन के, तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं राकेश सर की किताब पढ़ूं या भगवत गीता पढ़ूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भगवत गीता पढ़ने जाऊं और वहां मेरा समय खराब हो, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे बिताने से तो ज्ञान नहीं मिलेगा और जो चीज वो एक्चुअल ढूंढना चाह रहा है वो नहीं मिलेगी। तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं किधर जाऊं, अभी इस चीज को लगातार मेहनत करूं, इसी चीज को पढ़ता रहूं या उधर जाऊं। दूसरा, उसके सामने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं पीछे के, उसने अपना इतिहास भी पढ़ के देखा है कि चाहे महाराज दशरथ हो या और कोई भी राजा रहे हो, उन्होंने अध्यात्म को स्वीकारा कब? जब वो बिल्कुल अपने जीवन की अंतिम अवस्थाओं में थे। एक मनुष्य के लिए उसकी बाल अवस्था हुई, फिर उसकी यौवन अवस्था हुई, उसके बाद ग्रस्त अवस्था हुई और उसके बाद वो वानप्रस्थ हुआ। तो सबके मन में ये है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं था कि जिसने 30-35-40 साल की उम्र में अपने बच्चे को, जो उसका बच्चा 20 साल का, उसको राजा सौंप दिया और वो वानप्रस्थ को चला गया। तो सबको ये लगता है कि अध्यात्म का मतलब है 60 साल की उम्र के बाद की कहानी। अभी जीवन में जोश है, अभी काम करो, पैसा कमाओ, एंटरटेन करो, इस चीज को। तो वहां वो उस जीवन में संतुलन कैसे बैठाए? पर ये एक्चुअली ये सोच ही गलत है, जैसा मैंने कहा कि 60 साल, क्योंकि आप क्या कर लेंगे तब अध्यात्म लेकर? मैं चाहे एक फनी वे में ही कहूँ ये बात, मैं अपने सेशंस में कहती हूँ कि इंसान बुढ़ापे में जाके जब कुछ करने की हालत नहीं है और कांपते हुए हाथ है और कांपती हुई आवाज़ के साथ बोलता है कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और मैं कहती हूँ भगवान भी ऊपर बैठे बैठे बोल रहे होंगे कि अब तुम क्या, अब हम बुलाएंगे तुमको, अब तो हमारी बारी है बुलाने की, अब तुम बुला के कर ही क्या लोगे मुझे। तो आप और सी, आपने जैसा मुझे कहा दशरथ जी, लेकिन आप किसी को भी देखिए, गुरुकुल की एज यंग एज होती थी,
जब उनको गुरुकुल भेजा जाता था, और पहले के गुरुकुल में अगर वापस आप जो भी देख रहे रिसर्च करें, यू हैड ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको वहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। वरना अगर ये कहे कि इंजीनियरिंग की डिग्री उस वक्त थी नहीं या आर्किटेक्चर था नहीं, तो ये मंदिर कहाँ से बन गए? बन गए। और जिनका आप अगर तरीका देखिए बनाने का, आप हर चीज देखिए, द्वारिका नगरी जब श्री कृष्ण ने बनाई, तो पढ़ाई तो थी पहले, हो सकता है उनके नाम अलग होंगे, उनके तरीके अलग होंगे, पर पढ़ाई थी। और यंग एज में थी, गुरुकुल यंग एज में भेजा जाता था बच्चों को, और तब उसके बाद ही उनको आके राजा का कार्य सौंपा दिया जाता था। यानी शिक्षित आपको पहले होना पड़ेगा, तभी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी राज्य की। बिल्कुल। तो पढ़ना आपको पहले ही पड़ेगा, और वहां पे अध्यात्म ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता था। जैसा आपने कहा कि उसको लग रहा है कि अभी तो मेरी यंग एज है, कमाने की एज है, ये है, वो कैसे कमाओगे? ये भी एक मिथ है। अध्यात्म मतलब होगा कि पैसे छोड़ दो। किसने बोला छोड़ दो? अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, दिया जा रहा है होने वाले राजा को। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। अर्जुन से तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा राज्य छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, राज्य मत करना, मैं तो तुमको अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूं। वो तो कह रहे लड़ो ही, इसीलिए तुम्हारा काम है ये, तुम क्षत्रिय हो, अपना काम कैसे छोड़ सकते हो? अब आप देखिए ये आपको क्या समझा रहा है, तुम्हारा जो काम है वो करो। अब आपने मान लीजिए उस बच्चे ने एक घंटे के लिए गीता जी पढ़ी और ये लाइन पढ़ ली, उसका काम एज अ स्टूडेंट अभी क्या है? सिर्फ पढ़ना। आप एक एक्सपेक्टेशन अब पालिए ही मत डे वन से। देखिए हम जितने लोगों को फॉलो करते हैं, अगर आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आप स्ट्रगल स्टोरी सुनिए, कोई कहेगा 5 साल का स्ट्रगल है, किसी का 10 साल का स्ट्रगल है, और आपको सुन के लगता है अरे वाह ये कितना अमेजिंग है, ये मेरा इंस्पिरेशन है। लगे ना उनको टाइम, तो आप पहले से मत बांधिए कि मुझे इतना ही टाइम लगेगा, इतने टाइम में तो सब मेरा हो जाएगा। हमारे मेहनत से पहले हमारा सक्सेस क्या होगा हम प्लान कर लेते हैं। आज आप किसी को बोलिए कि तुम क्या काम कर रहे हो, वो पहले ही सोच लेगा मैं ये काम कर रहा हूं इससे मेरा इतना हो जाएगा टर्नओवर, फिर ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, फिर ऐसा मेरा घर बनेगा। बाय चांस उस सपने में एक ईंट भी हटी ना, इसका पूरा मनोबल गिर जाता है। इतनी प्लानिंग पहले क्यों की? पहले काम तो पढ़ना है ना, एक सीढ़ी तो चढ़ो। पहले 10वें पे तुम छलांग लगा रहे हो, तो पहले आप एक एक सीढ़ी चढ़िए। अभी मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, और एक्चुअली नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले पल क्या होगा इंसान को नहीं पता है। और ये सच्ची बात है, हम दुनिया में देखते हैं कि अगले पल इंसान चला जाए नहीं पता। तो आप इतनी लंबी प्लानिंग कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप वो उम्मीद बांध चुके हैं कि इतने साल में तो मेरी लाइफ सेट है, मैं जैसी डिग्री करने की सोच रहा हूँ। आप भी जानते हैं बच्चों को पढ़ाते, वो खुद ही सोच के बैठा है, इतने में तो ये, इतने में तो ये, इतने में शादी, इतने में बच्चे, इतने में वो। इतनी लंबी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज के लिए आप समय देते हैं। बच्चे अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो शायद टीचर्स भी बच्चों को बोलते थोड़ा बहुत व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, ताकि तुम फिट रहोगे तो दिमाग भी फिट रहता है। तो अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो आपको स्पिरिचुअली भी फिट होना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन मेकिंग ठीक से कर पाएंगे। तो ये आपके पढ़ाई का ही आई थिंक एक सोर्स है कि आपको आगे बढ़ाने की को, तो अपने आप बच्चा टाइम निकालेगा। इंस्टाग्राम के लिए भी निकालता है, कितनी बड़ी पढ़ाई कर रहा हो, वो 5 मिनट की रील देखेगा, वो 5 मिनट तुम गीता जी पढ़ लो, एटलीस्ट आपको यूज तो आएगी वो, ये पक्की बात। बेसिकली मेन चीज यही है मैम कि पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, और वो इंस्टाग्राम की रील उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है बजाय भगवत गीता के। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि, और जो आपकी भी बात है कि मेन तो ये होना चाहिए कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन यहाँ इच्छा पहले फल की होती है, उसके बाद हम कर्म डिसाइड करते हैं। और आपकी बात सही है, इसी वजह से बीच में जब एक भी ईंट खिसकती है आपके सपनों से तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, और जब वो एक ईंट खिसकती है तब पता नहीं कितने ऐसे कामयाब बच्चे हैं जो उस एक ईंट खिसकने की वजह से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि अपना जीवन ले जाते हैं। और अभी आप इंसिडेंट कोटा के लगातार सुन रहे होंगे, 137वीं सुसाइड हुई है कोटा जैसे छोटे से शहर में, बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर ऐसे जिन्होंने सुसाइड किया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव उन सब पे रहता है कि वो एक ईंट जैसे ही खिसकी तो तुरंत वो चले जाते हैं। तो एक तो उस दबाव को बिना पढ़े कैसे कम किया जाए, क्योंकि असलियत तो यही है कि हमें वर्तमान के साथ ही संतुलन बनाना पड़ेगा। दूसरा एक मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि
एक पश्चाताप वाला जो शब्द है ना, ये एहसास होता है आपने जो कहा, लेकिन ये एहसास होता है कब, जब वो उम्र निकल जाती है। भाई मैंने 60 साल की उम्र में अध्यात्म की तरफ जाना स्वीकारा, उस समय आपने कहा कि भगवान खुद ही कह रहा है कि अब तो तूने आना ही है मेरे पास वैसे ही, लेकिन ये ज्ञान का बोध हो कैसे? जैसे मैं अपनी अगर बात बोलूं तो मुझे आज ये एहसास होता है कि मैंने जितना पैसा कमाने के लिए अपना वक्त दे दिया जीवन का बहुत बड़ा, मुझे ये भी शायद सही से याद नहीं है कि मुझे मेरी बेटी का बचपन कैसे बीता, और मैं सिर्फ पढ़ाने में पैसा देने में लगा रहा, कमाने में लगा रहा, लेकिन आज उस बात का मुझे एहसास हुआ। तो कोई कुछ ऐसी किताबें हो या कुछ ऐसे काम हो जिससे आप ये समझा सकें कि वो एहसास उस बच्चे को उसी उम्र में हो जाए जिस उम्र में उसको होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये तो हो ही रहा है कि समझदारी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। जो समझदार मुझे 20 साल की उम्र में होना चाहिए, शायद मैं वो 30 साल की उम्र में हो रहा हूं। तो समझदारी का स्तर कैसे उसी आयु पे आ जाए जिसपे आना चाहिए? तो कौन सी किताबें या क्या क्या काम है जिसमें हेल्प मिले? पेरेंट्स का ही काम है। मुझे जब कई बार लोग कहते हैं कि आप उम्र से ज्यादा मुझे समझदार लगते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ वो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत छोटी उम्र में ये चीजें पढ़ाई गई थी, चाहे कहानियों के तौर पे। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, करते सब है। कहानी कोई कहे कि अब कहाँ बच्चों को पढ़ाए, सिंड्रेला तो आप पढ़ा रहे हैं, स्नो वाइट तो आप पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आप ये सब तो पढ़ा रहे, आप इनको हटा के उनको कहानी बना के पढ़ा दीजिए। और आज एजुकेशन वाइज भी स्पिरिचुअली लोग, आप रील की बात कर रहे हैं तो आपको रील ही देखनी है ना, तो कोई अच्छा पेज फॉलो करिए जहाँ पे आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है। आप एंटरटेनमेंट में भी उसको देखिए जहाँ आपको अच्छी बातें पता चल रही है, जहाँ आपको ऐसी बातें पता चल रही है जो आपको मेंटली कैसे फिट रख सकती है। तो आपका रील का रील देखना हो गया, और आपका आपको हेल्प मिल गया कि मैं पढ़ाई के अलावा कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। बट इसमें सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें बच्चों के लिए परसेंटेज कम और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है, कि चाहे अब जो आप बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं ये, लेकिन इट्स हाई टाइम कि माँ बाप पहले पढ़ना शुरू करें। जेन्युइनली अगर वो नहीं पढ़ते, क्योंकि देखिए बच्चा आज का भी बहुत जिज्ञासु है, ऐसा नहीं उनकी जिज्ञासा खत्म हुई है, वो आते हैं अपने पेरेंट्स के पास क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना मिला है, तो उनको बातें बहुत इधर उधर की मिलती है। कोई कहे कृष्ण ने ये कर दिया, कोई कहे राम ने ये कर दिया, इधर उधर से 10 बातें उठा के लाएंगे, पेरेंट्स के पास आते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था क्या, उनके पास आंसर्स नहीं है। फिर वो बच्चा जा रहा है अपने दोस्तों के पास जो इक्वली कंफ्यूज्ड है, और वो जो मन में आए आंसर दे रहा है, और उसी को आंसर बना के अपना बेस बना के ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप वो कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है उनके अंदर, वो और उन चीजों को। और देखिए एक बार आप किसी को नेगेटिव नजर से देख लेते हैं, आपको उसकी हर चीज नेगेटिव लगती है, तो आपका पहला नजरिया अगर कोई खराब कर देगा तो आप कैसे अच्छी नजर से उस चीज को आगे देख पाएंगे? बिल्कुल ठीक। तो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को बचपन से इन चीजों के साथ बड़ा करें, तभी जाकर आप देखेंगे कि वो आगे जाके अपना काम अपने आप ही अच्छा कर रहे हैं। वो मैं हमेशा कहती हूँ एक पुश देता है, आप समझिए ये कोई मैजिक नहीं होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे अचानक से, आपका अपने आप माइंड स्टेबल होता है, आप काम हो जाते हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप भागदौड़ करने की बजाय सोचते ठीक है वो कोई बात नहीं, विपरीत परिस्थिति आई है, समझते हैं क्या कर सकते, ये अपने आप होता है। और ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि जब कई बार मुझे लोग कह रहे हैं कि अरे आप बहुत का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, पर बहुत ही नॉर्मल रीडिंग स्क्रिप्चर्स की मुझे यहाँ लेकर आ रही है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे बहुत काम करती है। और मुझे लग भी रहा था ये सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन उसका जवाब पूछने से पहले मुझे मिल गया कि बहुत बच्चों की किस्मत अच्छी होती है जो उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल पूछना बेमानी होगा, जैसा जय जी ने कहा कि बच्चा, इनको भी जो ज्ञान मिला, जो चीज़ें धीरे धीरे इनके अंदर फीड की गई, वो इनके पेरेंट्स की तरफ से फीड की गई, और ये सभी पेरेंट्स भी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत कामयाब होता देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिंड्रेला पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, वो इंजीनियर बने, लेकिन फिर आप साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी भी बने, मेरी बुढ़ापे में सेवा भी करे, मैं उसमें अच्छे संस्कार भी डेवलप करूं। तो दो अलग दिशाएं एक साथ नहीं ले जा सकती। आप शायद, मैं आज से ये चीज़ फॉलो करूंगा कि मैं अपने बच्चों को 10 मिनट कम से कम, उनको रोज़ भगवद गीता पढ़ाऊंगा,
और उस तरफ लेके जाऊंगा और उनके सवालों का जवाब शायद वो खुद एक वक्त पे सीख जाएंगे। और मेरे इस सवाल का जवाब आपने अल्टीमेटली मुझे दे दिया, जो मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि क्या ये सिर्फ किस्मत है कि लोग अपने उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं, और मैं पहली बार संतुष्ट हुआ आपके इस जवाब से इतने लोगों से जानने के बाद कि ये सब पेरेंटिंग है और पेरेंटिंग ही आपको वो समझदार बनाती है और हर चीज में बनाती है। जैसे आपने अभी कहा भी कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है, तो देखिए कामयाबी आप वैसे प्रेशर सोसाइटल प्रेशर के साथ नहीं ले सकते। आप काम का प्रेशर ले रहे हैं, चलो वो ठीक है कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा पढ़ाई करना है, पर आपको इसीलिए करना है कि आपको किसी को दिखाना है, आप इस सोच के साथ बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकते। मुझे आज भी याद है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी जिंदगी में ये नहीं बोला था कि तुमको सक्सेसफुल होना है। मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा मेहनत करना है, फर्स्ट आओ सेकंड आओ कुछ भी ना आओ मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस मुझे मेहनत दिखनी चाहिए क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ, मुझे दिख रहा है तुम कितना पढ़ रही हो कितना। अगर तुमने मेहनत की है तो चिंता नहीं करना, ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिलता है क्योंकि आप बने किसी और चीज के लिए है। तो मेहनत मत छोड़ो ये सोच के कि अगर किसी और चीज के लिए बने तो उसमें ही अपनी मेहनत करते रहो, जहां उस मेहनत को रंग लाना है वो ले आएगी। तो ये सोच के कि मुझे फर्स्ट ही आना है सेकंड है ना, माँ बाप को ये प्रेशर बच्चों में बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ क्योंकि हम जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब बच्चे शायद हमारे एग्जाम्पल माँ बाप बच्चों को देते हैं, कह रहे इनको देखो इस उम्र में ये है। तो अगर आप मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझ जैसा कोई बने तो मेरे माँ बाप ने जैसा काम किया वो आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की शायद इन्हें कि आपको पहला जो टीचर मिलता है ना वही अगर अच्छा मिले, पहला ज्ञान जो आपको मिले वही अच्छा मिले, तो आप वहां से आगे बढ़ने की सोचते हैं। मैं भी जब मैथ पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे सरकारी स्कूल में, वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र सर वो मैथ इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मेरा मैथ में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहां से। और अगर उनकी जगह काश एक ऐसा टीचर मिला होता जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाता तो शायद मेरा मैथ से मोह ही भंग हो चुका होता। तो पहला टीचर हमारी माता ही है, पहले टीचर हमारे पेरेंट्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है कि हमें उस डायरेक्शन में लेके जाए। और अगर हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, वो मतलब अच्छा संस्कारी बच्चा बने, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार कोई और नहीं देने वाला, हम ही देने वाले हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज जीवन व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हो चुका है। और यही दिक्कत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में वो शायद स्किल डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपको ये जरूरत महसूस होगी। और दिक्कत क्या है कि हमारा समाज ऐसा हो गया कि हमारे पेरेंट्स ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा फलाने की तरह बने, लेकिन वो सच में ये नहीं जानता कि हमारा समाज का दायरा सिर्फ हमारा घर ही हो गया। सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बच्चे के बाहर बहुत ज्यादा यार दोस्त है ही नहीं। जो उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं बस वही उसका सर्कल है, उससे बाहर का उसका सर्कल ही नहीं है। लेकिन हम उसका कंपेरिजन करते हैं कैसे सर्कल से जिसके बारे में ना बच्चा जानता ना हम जानते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल है। और क्या मैं हमेशा कहती हूँ जब आप बच्चे की कंपैरिजन करते हैं तो क्या पेरेंट्स की भी कंपैरिजन कर रहे हैं? चाटा खाएगा जो बोलेगा ये बात तो नहीं, पर इसीलिए देखिए कुछ चीजें बच्चे नहीं बोल पाते नहीं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जिनका एग्जाम्पल बच्चे दे रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं। तो अगर आप जैसा मैंने अभी भी कहा कि आप मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको मेरे पेरेंट्स ने घर में जो संस्कार रखे क्या वो संस्कार आप घर पे रख रहे हैं? क्या वो माहौल आप घर पे रख रहे हैं? क्या वो फ्रीडम आप बच्चों को दे रहे हैं? अब अगर आज आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, एक टाइम पे पूरी सोसाइटी इस चीज के अगेंस्ट थी कि आप बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं, अरे आप डिग्री विग्री कराइए इसको, कोई जॉब करेगी काम करेगी, ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्या होना है नहीं होना है। पर उनके लिए था, उसको अच्छा लग रहा है, वो उस चीज में मेहनत कर रही है और मेहनत जाया नहीं जाती, नहीं जाती। उसका अगर इंटरेस्ट उसकी खुशी उस चीज में है तो हम रोकने वाले कोई नहीं होते। और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे खड़े थे। और जब तक परिवार एक साथ बढ़ के काम नहीं करता, परिवार एक साथ आगे बढ़ता भी नहीं है। आपको सबको काम करना पड़ेगा तभी आप उस स्तर पे जा सकते हैं। तो अगर जब आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का है या उसकी लड़की है, तो वो शर्मा जी कैसे हैं ये भी पहले देखिए, पहले देखना कि वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या वो कैसा माहौल घर में रख रहे हैं, और उसके बाद आप बोलिए कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल, और हमें शायद उसकी एक नौकरी से उसकी कामयाबी भी नहीं आंकनी चाहिए।
अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि बच्चे को अपने सवाल पूछने चाहिए, और दिक्कत ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स इतने अस्त व्यस्त है कि वो जवाब देना ही नहीं चाहते, या बहुत बार जवाब होता भी नहीं है। जैसे मेरी बड़ी बेटी एक दिन मुझसे पूछ रही थी कि जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने, तो उसने कहीं पढ़ा होगा, मैं मुझे नहीं पता फैक्चुअली करेक्ट है नहीं, कि उस समय टाइम फ्रीज हो गया था, यानी वो ज्ञान सिर्फ भगवान कृष्ण दे रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे, और तीसरा जो व्यक्ति सुन रहा था वो था संजय, तो और कोई इस ज्ञान को नहीं सुन पा रहा था। तो उसने कहा कि फिर जब ये तीन ही लोग थे तो फिर ये भगवत गीता आज तक कैसे आई, और ये ज्ञान आगे कैसे फॉरवर्ड हुआ जब तीन ही लोगों ने सुना और चौथा कोई था ही नहीं, और दिव्य रूप तो बिल्कुल ही तीन लोग देख पा रहे थे वहां खड़े हुए भी, तो ये भगवत गीता फिर लिखी कैसे गई जब वो ज्ञान वहीं तक था। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि भगवान ने जो एग्जैक्टली कहा वो है कि नहीं, ये तो नहीं। किसी को नहीं पता। ये संजय का इंटरप्रिटेशन आपको मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब संजय जब समझा रहे हैं तो संजय के थ्रू, और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बड़े बड़े ऋषि होते थे, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि रामायण होने से पहले लिख दी गई, तो उनको तो अपना ज्ञान था ही, उनको पता है कि उनको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब हो सकता है कि देवता भी देख रहे हैं, जो अब चाहे ब्रह्मा जी देख रहे हैं चाहे नारद जी, वो तो भगवान को देख ही सकते हैं, वो दिव्य रूप भगवान को उन्होंने बहुत बार देखा होगा। तो उसमें इतना हम घुसने की बजाय ज्यादा ये प्रेफर करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं आप ये सोच के पढ़िए मुझे कैसे हेल्प करेगा। हम कई बार ऐसे, क्योंकि जैसा आपने कहा, चलो वो बच्ची है, आपने उसके बात को समझा, आपने उसको बोल भी दिया कि बेटा संजय ने सुना, संजय ने इंटरप्रेट किया, और उसके बाद ऐसे एक एक करके आपको मिलता गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कुछ बात बताया, मम्मी ने वहां से सुन लिया, मम्मी ने किसी और को बताया, उसके थ्रू वो बुक निकल गई, ठीक है हम मानते हैं। बट मैं क्यों आपसे ये बात कहती हूँ कि आपको रिसर्च खुद का करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन है। ये बात समझाना कि ये इंटरप्रिटेशन है तो वो बच्चे को अपने रिसर्च की ओर और बढ़ा देता है, कि उसको समझ आ रहा था कि हाँ चलो एग्जैक्टली भगवान ने ये बुक नहीं उतारी है, ये किसी ने इंटरप्रेट की है, तो मुझे और समझने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मंत्र है कि मैं मानती हूँ भगवान कभी गलत नहीं करते, इंटरप्रिटेशंस गलत हो सकती है, तो अगर मुझे कोई बात किताब में सही नहीं लग रही है तो मेरी खोज चालू होती है फिर उसके बाद कि ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान तो गलत नहीं करेंगे, तो लिखने वाले ने कुछ तो गलत समझा है, तो इसीलिए अब मेरी जरूरत है कि मैं अब उसको 10 चीजों जगह से समझूं और तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलता है। तो ये रामायण की एक बात आती है कि श्री राम जब शिकार करके आते हैं, कहते हैं और आके अपने पिता से कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे हिरण को मार दिया, तो लोग उसमें कहते हैं कि देखो श्री राम तो शिकार करते हैं, उन्होंने तो मार दिया, मुझे बात ही नहीं जच रही कैसे वो मार सकते हैं किसी बेगुनाह को। तो मेरा रिसर्च शुरू हुआ उसके बाद। अब आप देख रहे हैं कि वहां पे, सिर्फ वहां पे हिरण के आगे एक शब्द आया है जिसका मतलब होता है पावन हिरण, तो वो उस वक्त कहते वो इसीलिए यूज किया गया था, जो श्रापित लोग होते थे और जिनके लिए कहा जाता था कि अब तुमको इस जन्म से भगवान ही पार करेंगे, उन्होंने सिर्फ उसको मारा था। और अपने पिता को आगे फिर वो बता रहे हैं कि कहते ना कि पिता शाबाशी देंगे कि पिता ऐसे ऐसे मैंने उस पावन हिरण को उसको मोक्ष दिला दिया, लेकिन अगर मैंने वो बात ढूंढी नहीं होती तो मुझे लगता कि अरे चलो ये तो कितने निर्दयी हैं, इन्होंने तो जानवर को मार दिया और फिर हम कैसे माने फिर इन चीज को। पर मैं ये मंत्र लेके ये तो गलत नहीं करेंगे, लिखने वाले ने जरूर कुछ गलत लिखा है या गलत समझा है, तो उससे मेरा रिसर्च और मेरी मेहनत, मेरी जिज्ञासा, मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई। और वही बच्चों के अंदर आती है कि आप उनको उनका रिसर्च खुद करने दीजिए। और कई बार जैसा आपने कहा, पेरेंट्स सिर्फ इसीलिए कि उनको नहीं पता, पर उनको दिखाना नहीं है कि उनको नहीं पता, कुछ भी आंसर देते हैं। तो आप बच्चों को ही बोलिए मुझे नहीं पता, स्वीकारना चाहिए। यस, और उससे बच्चे को भी होगा कि उसके लिए भी अच्छी बात है, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो बोल सकता है। मुझे कोई शर्म नहीं आती, कई बार अगर आप मुझसे, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो मुझे नहीं पता, और अगर आप इसके लिए मुझे गलत बोल सकते हैं या मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं हुई, और दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग इंसान कोई नहीं होगा जिसको दुनिया की हर चीज पता होगी, तो आप करेंगे क्या इतने साल फिर दुनिया में जेन्युइन, तो आपको कुछ तो ढूंढना है। तो बच्चों को भी समझ आएगा कि इट्स ओके अगर आपको सब नहीं पता, अपनी जर्नी खुद करिए, पढ़िए, गलती करिए, फिर सीखिए। लेकिन हम बच्चों को हर चीज कहते नहीं, गलत नहीं बोलना,
हमेशा सही सुनना, सब ये क्यों नहीं पता है तुमको, वो क्यों नहीं पता है तुमको, तुम्हारी चीज तुमको नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, आपको भी कितनी चीजें नहीं पता है। आप वो चीज अपने आप को बच्चों में क्यों नहीं देख रहे कि मैं भी तो एक टाइम बच्चा ही था और मुझे 10 चीजें नहीं पता थी। मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको हर चीज पता होनी चाहिए। तो बच्चे के सामने बोलना कि बेटा मुझे नहीं पता, चलो मिलकर ढूंढते। आपने दोस्ती पैदा की, आपने रिसर्च सिस्टम पैदा किया और आपने संस्कार पैदा किए। 3 चीज एक साथ हो गई सिर्फ एक लाइन से, मुझे नहीं पता। नहीं पता जी मैम, और स्वीकारना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो बहुत कम लोगों में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी चीजों से कुल मिला के जो समझ में आता है वो ये कि पेरेंटिंग रोल बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा है, और आज के टाइम में तो सच में बहुत बड़ा है। फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक शब्द होता है कुसंगति, और बच्चे के लिए समझना उस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है जब वो कूल गई बन रहा होता है आज के टाइम में, कि वो जिन लोगों के साथ यारी दोस्ती कर रहा है, संपर्क बना रहा है, वो लोग उस पर कितना प्रभाव डालेंगे, उस प्रभाव को शायद विजुअलाइज कर नहीं पाता। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसको इस चीज के लिए रोकते टोकते भी हैं, लेकिन वो ये कहता है कि आप नहीं समझेंगे। और पेरेंट्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि आप नहीं समझ रहे हो, और बोलते ना चंदन विश्वापत नहीं लिपटे थे रहत भुजंग। तो वो चंदन जैसा स्थायित्व तो कैसे लाया जाए, कैसे मित्रता का जो चुनाव है, मित्र का जो चुनाव है एक बच्चे की उम्र में, मतलब कैसे किया जाए। और मुझे लगता है कि मित्र एक ऐसा शब्द है जो जीवन अधूरा है उसके बिना, क्योंकि मित्र ही मित्र के साथ ही वो सबसे ज्यादा हंस खेल सकता है, मन की बातें सबसे सरल रूप से उसी के सामने कर सकता है। तो ये बच्चे में को कैसे हेल्प करें हम लोग, और आप आपके शब्दों में, कि वो सही मित्र चुने और वो गलत डायरेक्शन ना जाए। पहला तो 99% आई वुड से पेरेंट्स करेक्ट होते हैं दोस्तों के मामले में, और ये बच्चों को एक एज के बाद समझ आता है कि मेरे धोखेबाज दोस्तों को मेरे माँ बाप ने पहले ही परख लिया। तो ये तो पक्की बात है, यहाँ जो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा, जिनके फ्रेंड्स ने उन्हें धोखा दिया होगा, कि इनके पेरेंट्स ने पहले ही वॉर्न किया था कि ये मुझे सही नहीं लगता, ये ले डूबेगा तुमको, और वही लेके डूबता है तुमको। लेकिन मैम डिसीजन भी बच्चा अपने हिसाब से लेता है, 99% पेरेंट्स की नहीं मानता। नहीं, वो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ है। पहला चीज तो बच्चे ये माने कि खास करके फ्रेंड्स के लिए जब बोला जा रहा है, तो आप, मैं नहीं बोल रही हूँ आप उनकी बात तुरंत मान लीजिए, पर आप एक थॉट दीजिए, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इनको ऐसा क्या दिख गया जो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा। तो ये एक बार जब थॉट आ जाएगा ना उसके दिमाग में, तो वो थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करेगा कि ऐसा क्यों है। पेरेंट्स के लिए आई वुड से मना मत करो बच्चे को। एक तो ना वो उस एज में बहुत रीबेल फॉर्म में होता है, कि आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको एडवाइस कर सकते जेन्युइन कि बेटा देखो हमें ऐसा लगता है, बाकी तो तुम देख लो, तुम्हें जो सही लगता है क्योंकि तुम समझदार हो। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक और जो डिसीजन मेकिंग अच्छे से आया है, दैट इज बिकॉज माई पेरेंट्स, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए डायरेक्टली मना नहीं किया, ये नहीं करना है, ये नहीं कर सकते, ये गलत है, नहीं। उन्होंने कहा कि देखो हमें ऐसा लगता है जो तुम करने की कोशिश कर रही हो, इसका एक नेगेटिव फॉर्म ये भी हो सकता है, तो सोच समझ के करना, बाकी तो देख लो, जैसा तुम समझदार हो ही, तुमको पता ही है। अब एक तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मेरे परिवार में मुझे समझदार समझा जाता है। अब बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में कहा था कि आज की जो जनरेशन है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचते हैं, मतलब उनको हमारे पेरेंट्स को था समाज क्या सोचता है, नेबर्स क्या सोचते हैं, आज के बच्चों को नहीं पड़ी इस चीज की, कौन क्या सोचता है, उनको है मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। आप अधिकतर बच्चों को देखिए जो गलत कदम उठा भी रहे हैं, वो सॉरी अपने पेरेंट्स को ही लिख रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद कि हम आपके एक्सपेक्टेशन तक नहीं खड़े हो पाए, नहीं हो पाए, या हम आपके विश्वास को नहीं जीत पाए, उनको सिर्फ माँ बाप की पड़ी है कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, बस उनको है कि ये अच्छा सोचना चाहिए, दुनिया अच्छा सोचे ना सोचे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप उस वक्त जब बच्चे को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं ना, उसको इतनी खुशी होती है, और उसके बाद वो मन से आपकी बात सुनता है। तो जैसा हम कहते हैं ना कि जब गीता जी की बात हो रही है, तो हर चीज है कि पहले भगवान ने अर्जुन की बात सुनी, फिर एक स्टेज तैयार किया, उस स्टेज पे फिर वो ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। तो
आपको थोड़ा सा, आप बच्चे पाल रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप ये मत सोचिए मैं अपना अकेले का बच्चा पाल रहा हूँ, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप पूरे समाज के लिए। आपका एक बच्चा आगे वाला समाज बनेगा, आने वाली पीढ़ी बनेगा, तो आपको वो सोच समझ के चीजें करनी पड़ेगी, तो आपको उसको इम्पोर्टेंट फील कराना पड़ेगा, समझदार फील कराना पड़ेगा, और फिर अपनी एडवाइस सामने रखनी पड़ेगी। और वही बच्चों के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। देखिए टेक्निकली दुनिया बदल सकती है, बाहरी तौर से दुनिया बदल सकती है, यहाँ से सिचुएशन वाइज, प्रॉब्लम वाइज, स्ट्रगल वाइज दुनिया आज भी एक ही है। स्ट्रगल, रिजेक्शन, फेलियर एक ही है, कि आप कोई काम करते हैं वो काम नहीं होता वो फेलियर कहलाता है, आप किसी के पास जाते हैं वो आपका काम नहीं करता वो रिजेक्शन कहलाता है, और आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होते वो स्ट्रगल कहलाता है। दुनिया का कोई भी काम, ये सालों से, वर्षों से या फिर युगों से यही चलता आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने दुनिया देखी है, उनको उनका असली चेहरा भी पता है, और इसीलिए वो आपको किसी चीज के लिए टोक रहे हैं। लास्ट, जब आप फ्रेंड्स चुनते हैं, आप ये दिमाग में रखिए कि फ्रेंड्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, ये घूमना फिरना, मजे करना, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है तो बच्चे यही कहते हैं कि हम थोड़ी वैसा कुछ कर रहे हैं, हम तो मस्ती कर रहे हैं, हम तो घूम फिर रहे हैं। अरे आज नहीं कर रहे, कल करोगे, क्योंकि जो आपने चंदन की बात कही, पहले उसके लिए चंदन बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चंदन नहीं है तो फिर आप पे दूसरा दोहा लागू होता है कि वही काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप अगर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां आपको पता है कि गलत हो रहा है, आप आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, परसों नहीं कर रहे, उसके नेक्स्ट दिन तो करोगे अपने आप ही करोगे, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनका माइंडसेट आपसे मिलता है। जब माइंडसेट मिलना बंद हो जाता है ना, तो चांसेस ज्यादा है कि नेगेटिविटी आप पर ज्यादा हावी होगी, क्योंकि वो इजी है। इजी, जैसे बच्चों के लिए फोन उठाना ज्यादा इजी है, रील देखना ज्यादा इजी है, बुक खोलना कठिन। तो इजी चीज, नेगेटिव चीजें ज्यादा इजी होती है, तो अगर किसी की किसी का साथ नेगेटिव है वो आप पे ज्यादा हावी होगा, रादर देन कि आप अच्छे हैं तो वो अच्छा बन जाएगा, ये चांसेस कम है। तो इसीलिए अच्छे दोस्त बनाइए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने सारे रिश्ते तो बना के ही भेजे भाई, पेरेंट्स बना के भेजे, सिबलिंग्स बना के भेजे, शादी भी कहते ही है कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं। एक दोस्त तो आप पे जिम्मेदारी दी है, वो भी ढंग के नहीं बनाए तो भगवान भी ऊपर कहेंगे एक काम तुमसे ठीक से हुआ नहीं, बाकी सब तो मैंने तैयार करके दिया था, एक तो ठीक से कर लेते तुम। अच्छा एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि एक शब्द है डर, और ये बहुत सारी जगह जरूरी भी है और बहुत सारी जगह ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बोर्ड एग्जाम का बहुत डर होता था, एग्जाम का बहुत डर होता था, और उस चक्कर में हम जो एग्जाम से एक महीने पहले का टाइम होता था उसमें हम बहुत मेहनत करके पढ़ते थे, और इसलिए हम शायद डिसिप्लिन भी रहते थे स्कूलिंग लाइफ में। जैसे ही हम कॉलेज में गए तो वो डर हमसे हट गया। जब हम कॉलेज के लास्ट स्टेज पे आए, जो करंट हम बच्चों की सिचुएशन है कि हम जब कॉलेज में गए हम लाइफ को बहुत मजे से जीते रहे, हमें कैरियर का डर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही कॉलेज पासिंग आउट होने शुरू हुआ, खत्म होना स्टार्ट हुआ, तब एक बहुत बड़ा डर सामने आया विकराल, अब क्या करें। उस समय हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी की या किसी और चीज की, जब उस चीज की तैयारी करते हैं तो मन में हजारों ख्याल आते हैं कि आज मेरे पास 20,000 हैं, अगर कल ये खत्म हो गए फिर मैं क्या करूंगा, मैं आज इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूं कल नहीं बन पाया तो क्या करूंगा। तो और इसी डर की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या जैसा कदम उठाने लग रहे हैं, और ये डर केवल बच्चे में ही नहीं बड़ों में भी है। तभी तो एक पढ़े लिखे आईएएस जैसे लोभी वो आत्महत्या कर रहा है, तो वहां डर को समझना भारी पड़ रहा है मेरे लिए कि ये डर कितना व्यापक है। अगर डर ना हो तो शायद हम पूजा पाठ भी ना करें, जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मन से जो चीज हो रही है वो तो बहुत कम है, डर से चीजें बहुत हो रही हैं। जब अगर हम अपने पीछे के सारे ज्ञान की चीजें पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, या मुसलमानों में अगर हम देखें तो उसमें कहते हैं कि आपने गलत काम किया तो दोजख की आग में आप जलेंगे। हमें हमारे पंडित जी ने सिखाया है कि व्रत वाले दिन या जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन आपने प्याज या लहसुन खा लिया तो आपको पाप लगेगा। तो ये डर जो है ना, इसको बैलेंस कैसे करें कि कौन सा डर ठीक है और कौन सा खराब है, और किस हद तक ये डरें और किस हद के बाद उस डर को दूर भगाएं।
और मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सबसे लास्ट स्टेज में चला जाता है डर के, और वो एक गलत स्टेप उठा लेता है, तो उस डर से एकदम से कैसे बाहर आया जाए? पहला तो आप जब डर के लिए काम करते हैं तब तो वो काम ही अच्छा नहीं, क्योंकि वो जब तक डर बना रहेगा तभी तक इंसान काम करेगा। जिस दिन डर खत्म होता है उसके लिए काम का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो आप तो एक्चुअली कुछ सीख ही नहीं रहे अगर आप मुझे कह रहे हैं कि कोई पूजा पाठ डर की वजह से कर रहा है। वो भगवान को मानता ही नहीं है, लिखा लीजिए आप मेरे से। वो अपने काम के लिए कर रहा है, काम के लिए कर रहा है, और वो इतना स्वार्थी है कि उसका काम नहीं बनेगा वो कल भगवान बदल ले। बिल्कुल। तो ऐसा इंसान तो फिर क्या ही काम कर रहा है। तो ये डर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, आप भगवान को मना रहे हैं, तो आप एक टाइम बाद तो खत्म होगा ना डर। ये हमेशा कहते इतना मत डराओ किसी को कि डर ही खत्म हो जाए। डर एक दिन खत्म होता है। जिस दिन खत्म होगा उस दिन, अब बच्चों के लिए अगर आप कह रहे आत्महत्या, वो क्या है, उस दिन उनका डर खत्म हो गया और अब उनको मौत से भी डर नहीं लग रहा और उन्होंने वो कदम उठा लिया। तो आप डर को अपने काम करने का या अपना मेहनत करने का रास्ता ही क्यों बना रहे? आप वो चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो करना है। जब आप हम घूम फिर के वहीं आते गीता जी पे, अर्जुन स्टार्ट में जब युद्ध करे वो डरे हुए हैं। भगवान कह रहे कौन मरेगा, कौन मारेगा, किसको मारेगा, किसने बोला इतना सोचने? तुम्हारा काम युद्ध करना है, कौन मरेगा नहीं मरेगा तुमको क्या लेना देना है उस चीज से? तुम्हारे हिसाब से दुनिया चल रही है क्या आज तक? अरे इतने सारे उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, फिर मैं मारूंगा, फिर वो पैदा हो जाएंगे, ये तुम्हारी बस की चीज नहीं है। हम कहते ना कि हम इतने छोटे हैं इस दुनिया में, हमसे बड़ी इतनी चीजें, कितनी चीजें तो हमें दिख भी नहीं रही, हमारे आंखों के सामने होकर भी हमें नहीं दिख रही। तो आप कितने छोटे हैं सोचिए इस पूरी दुनिया में। तो आप किस चीज का अपने ऊपर बोझ लेकर घूम रहे हैं? आप अपना काम करिए, जो लिखा है वो हो जाएगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। आपको सिर्फ कर्म करना है। तो ये समझ वो डर को खत्म करता है। और दूसरी चीज, जब आप कर्म करना है ये सोचते हैं तो एक तो ये चीज आपकी दुनिया नहीं है, चाहे पढ़ाई है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी और काम है, आपका जॉब है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। उसको एक हिस्से के तौर पे काम करिए। आप अलग अलग हिस्से हैं और बैलेंस बनाकर चलिए। जब आप अपना 100% किसी चीज को कर देते ना कि अब यही मेरी दुनिया है, और जब उससे वही मैंने कहा ईट हटी, आपकी दुनिया बिखर गई और आपको लग रहा मेरी तो पूरी जिंदगी खराब। इस जिंदगी में कितने लोग हैं, वो सिर्फ काम या डिग्री आपका नहीं था, आपके परिवार थे, आपके अपने थे, आपका आगे आने वाला लाइफ था जो आपको पता भी नहीं कितना बेहतरीन हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उस एक चीज को अपनी दुनिया बना ली और अब आपको लगा अब तो मेरी दुनिया बिखर गई, बिखर गई। तो ये दो चीज आप शुरू करिए। पहला तो आपका काम या आपके रिलेशनशिप या कुछ भी, आपकी दुनिया नहीं है, ये आपकी दुनिया का एक हिस्सा है और उसको हिस्से के तौर पर काम करना शुरू करिए। दूसरा, डर से मत काम करिए। आप कहते ना जानवर नहीं है, जानवर को अगर आप कहते ना कि वो घोड़े को भी ले जा रहा है, गधे को, वो अपने मन से नहीं चल रहा है, उसके पीछे जो चाबुक लेकर वो उस डर से चल रहा है। जिस दिन वो चाबुक हटा वो चलेगा नहीं? चलेगा नहीं, चलेगा। आप वही बन के रह गए हैं, आप वो डर की वजह से काम करें। जिस दिन वो डर हटा उस दिन आप काम नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छाई नहीं हुई, ये तो दिमागी संतुलन नहीं हुआ, ये तो समझदारी नहीं हुई, ये तो एक डर हुआ कि आप, और इसीलिए कथा में कहते हैं कि आज मनुष्य जानवरों से कम जीवन नहीं जी रहा है कि वो इतना ही कर रहा है मेरा पेट भरना है, मुझे बच्चे पैदा करना है, बच्चों को भी बस वही जिंदगी वही भागदौड़ में करना है, मर जाना है, मर जाना। यही करने के लिए तो इंसान नहीं बनाया गया था आपको। लेकिन सच तो मैम ये भी है कि अर्जुन गुरुकुल व्यवस्था से निकला, अर्जुन राज व्यवस्था से भी निकला, उसके बुजुर्ग जो भीष्म पितामह जी थे वो पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसमें युद्ध का डर तो था। और उसमें युद्ध का डर नहीं था, युद्ध वो पहले भी लड़ चुका है अपनों के खिलाफ। वो भगवान शिव के साथ युद्ध लड़ चुका है, वो इतना अच्छा वॉरियर था, उसको अपनों के साथ लड़ने में डर लगा। बिल्कुल। अब ये भी आपको बताता है कि देखिए कैसे प्रैक्टिस जरूरी है। युद्ध वो लड़ चुका है। कई बार लोग कहते हैं हम तो पढ़ चुके हैं, हमको सब पता है, हम तो कर लिया। बहुत विपरीत परिस्थितियां आएंगी आपके सामने। आपको रोजाना आपका रियाज करना पड़ेगा। एक संगीतकार रोजाना रियाज करता है, अब क्या वो गाना भूल जाएगा? लेकिन उसको पता है कि अगर कुछ टाइम तक वो नहीं किया तो वो हरकतें करना भूल जाएगा। गाना नहीं भूलता कोई। अगर आपको एक बार सुर समझ आ गया, वो सुर नहीं भूलते हैं, आप ताल नहीं भूलते, लेकिन आप हरकतें करना भूल जाते हैं। वो हरकत करने की हिम्मत नहीं रहती।
नृत्य में भी है कि अगर आप रियाज रोज नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस रोज नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं आप नृत्य भूल जाएंगे, पर आप फिर जो टफ स्टेप्स है वो आपसे हो नहीं पाएगा, कि आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो वही आपके लाइफ में भी है कि जब आप अपना रिदम छोड़ देते हैं, तो जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप उसका सामना नहीं कर पाते। तो युद्ध वो पहले भी करता था, ये परिस्थिति पहली थी उसके सामने, कि उसको और अपने भी ऐसे अपने, मतलब जिनसे आपने सीखा है। आज होता ना कि आपके गुरु को सामने बैठा के कोई बोले इनको ज्ञान दो, बड़े से बड़ा व्यक्ति डर जाएगा कि इनको कैसे ज्ञान दे, इन्हीं से तो सीखा है। तो उनको उससे लड़ना है जिनसे उसने युद्ध सीखा है, और किसके लिए, राज्य के लिए। तो उसको वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों किया जा रहा है। उसको डर युद्ध का नहीं था, उसको एक रिजल्ट क्या है। अगेन, आप रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे, तो भगवान ने यही बोला, तुम रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये छोड़ दो, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरा है काम, ये तुम्हारा है नहीं। आप भगवान कृष्ण अगर आपको नहीं भी, यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, शक्ति है, कुछ भी बोल लीजिए, पर तुम्हारे बस की नहीं है, ये पक्की बात है। रिजल्ट आपके बस का नहीं है, सोच के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कर्म करें कौन सा, ये कैसे डिसाइड करें? वो आप खुद चुन रहे हैं। अगर आज मैंने ये लाइफ चुनी है, तो मेरा कर्म यहाँ पर यही है कि मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी है, मेरा जो काम है उसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकते, उसके लिए खोज मुझे खुद करनी है। मेरा अभी कर्म धर्म यही बन गया है। जैसे उन्होंने वहां पे कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है, यानी तुम एक राजा के स्थान पर हो, तुम्हारा काम अभी प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, यही सब है। आपने जब एजुकेशन चुना है, तो आपका काम पढ़ना है, पढ़ना है। और वो पढ़ना बहुत सी चीजें, कई कोई पढ़ना तो मैं सिर्फ डिग्री पढ़ रहा हूँ, नहीं, स्पिरिचुअल पढ़ाई भी पढ़ना है, मेंटली भी आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, वो पढ़ना है। तो आपका काम अभी अपने आप को शिक्षित करना, मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, और जो जनरल एजुकेशन है उसके तौर से, यही आपका आज के टाइम काम है। बिल्कुल जनरल। एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, कि और वो आपसे रिलेट करके मैं स्टूडेंट पे ले जाना चाहूंगा, कि बच्चों की कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, काम करना स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम के बाद मन विचलित हो जाता है और उस चीज को नहीं कर पाता। आपका भी मन कभी इस चीज से विचलित होता है कि जो काम आप रोज कर रहे हैं, कि इसको छोड़ें थोड़े दिन के लिए, कुछ अलग जोन में जाएं, कुछ ऐसा होता है कभी आपके मन में? मुझे एक काम खत्म करके होता है। अच्छा, तो मुझे ये है, मेरे पिता ने मुझे बहुत पहले एक सीख दी थी कि बहता पानी निर्मला, कि जब पानी बहता रहता है ना, वो साफ रहता है। जब वो एक जगह रुक जाता है बहुत देर तक, उसमें गंदगी बैठने लगती है, तो रुकना नहीं है। यानी अब मैंने जब भजनों से शुरुआत करी, हो सकता था मैं उसके आगे कुछ नहीं करती, आज भी वो ही करती रहती, बट मुझे ऐसा लगा कि वो जब हो गया, वहां आपने एक पोजिशन ग्रहण कर लिया, अब आपको अब क्या, यही जिंदगी भर, तो मुझे ये चीज सही नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब एक चीज कंप्लीट कर ली, वहां आपको जो पोजीशन चाहिए थी आपको मिल भी गई, अब नया क्या, अब उसी फील्ड में आप और क्या बेहतर कर सकते हो। तो मैंने 3 दिन की कथा शुरू करी, 3 दिन अच्छे से हो गया, अब मुझे लगा अब क्या। तो मेरा ये अब क्या खत्म नहीं होता है, तो मैंने 7 दिन की कथा करी, 7 दिन के बाद मुझे लगा अब क्या। तो तब एक्चुअली जो यूथ मेरी कथा में बहुत आता है, उन्होंने कहा हमारे पास 7 दिन नहीं होते एजुकेशन की वजह से, और ट्यूशन है, ये हम 7 दिन नहीं दे सकते। तो आप 7 दिन को 1 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो मैं तब मोटिवेशनल सेशंस में आई थी, कि बातें तो मेरी घूम फिर के पैकेजिंग करके मैं वो ही बोल रही हूँ जो कथा में है। एग्जाम से जस्ट पहले की तैयारी है 1 दिन वाली। तो क्रैश कोर्स कराने की कोशिश करते हैं हम, तब मैं मोटिवेशन में आई, और उसी से फिर चाहे अब ये पॉडकास्ट है, चाहे अब मेरी शिक्षा अभी अभी शुरू हुई है इस फील्ड में भी, तो मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरे लिए तो मैं एक नई स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, पर मेरा काम यही है कि पानी की तरह बहते रहना है, रुकना नहीं है। कहीं पर जब आप रुक जाते हैं तो आपको आपकी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, बोरिंग, और आपका स्किल्स ग्रहण करना, नई चीजें सीखना, आपके दिमाग को धार करने का काम करता है। चाकू ज्यादा काम नहीं आएगा तो उसकी धार खत्म हो जाती है। दिमाग के लिए भी वही काम है, कि दिमाग को धार करते रहना पड़ता है, चाहे नए स्किल्स के लिए, कोई क्रिएटिव काम के लिए, तो वो करते रहो, और कोई टाइम पीरियड मत रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इसी टाइम पीरियड में ही काम करना है, क्योंकि वो जब नहीं होता ना, तभी आपकी कंसिस्टेंसी खत्म होती है। अगर मैंने कहा कि मैं 6 महीने का टाइम देती हूँ और 6 महीने में ये हो जाए, अगर नहीं हुआ मैं उसको छोड़ दूंगी, कि नहीं हुआ मुझसे ये 6 महीना, सोचा था मैंने, नहीं हुआ कुछ और देखते हैं, नहीं, मुझे काम करना है। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे, काम मेरा पूरा होना चाहिए, तब मुझे मुझ पर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने जो ठाना मैंने वो किया, मैंने उसको बीच में छोड़ा नहीं।
लेकिन जब आप टाइम पीरियड बांध लेते हैं, आप बीच में छोड़ देते हैं, और ये एक आपके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, आपको अपने ऊपर से भरोसा खत्म होने लगता है कि मुझसे कोई काम होता नहीं, होता नहीं। पर आप तरीका ही गलत चुन रहे हैं उस काम को करने का। काम तो पूरा करना है, टाइम कितना भी लगे, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अब मैं इसको अपने बच्चों के उस पे लेके आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि काम पूरा करना है, अब बच्चे के सामने दो चीजें हैं, वो तैयारी करने आया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, तो वो काम इस बात को माने कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या ये माने कि मुझे जो इसके एग्जाम में चीज आती है ये बढ़िया से तैयार करनी है। क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स को काम मान लेता है तो फिर वो तो फल हो गया उसका, और वो फल की इच्छा में फिर डिप्रेशन में आएगा, वो कर्म से पीछे हटेगा। और अगर काम वो इस चीज को माने कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में या इस एग्जाम में ये चीज आती है, मुझे इन चीजों को अच्छे से तैयार करना है, और अच्छे से कोई चीज तैयार करने की डेफिनेशन पूरी होती नहीं है कभी भी, तो वहां वो कैसे संतुलित करे विचारों को? मैंने टाइम पीरियड बोला। अच्छा, टाइम पीरियड। हाँ, कि तो आपको बनना है, पता है मुझे बनना है बस। अब अगर आप उसको टाइम पीरियड में डाल देंगे कि इतने में बना तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक, तब आप वो फल हो गया। अब जैसे अगर मैं किसी क्षेत्र में घुस रही हूँ तो मुझे तो पता ही है ना, अब जैसे अगर युद्ध करना है तो योद्धा बनना है, बात तो वही हुई, लेकिन मुझे जीतना है और इतने ही टाइम में जीतना है। आज कोई एक दिन का तो युद्ध हुआ नहीं था, हुआ नहीं था। आज आप सीए कर रहे हैं, चाहे कोई और भी पढ़ाई कर रहे हैं, कई जो बहुत समय तक चलते, चलिए कई लोग कह सकते हैं कि कुछ तो टाइम पीरियड वाले ही पढ़ाई होती है, तब आपके ऊपर हो सकता है एक प्रेशर हो, तो उस वक्त आप वो एक स्टेप वाला कर सकते कि मुझे एक एक दिन करके करना है, कि आज मुझे अपना पूरा इतने घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो करना, छोटे टारगेट डिसाइड, छोटे टारगेट, वो आप खुद चुनेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं टेक्निकली आपको नहीं समझा सकती क्योंकि मैं आपके फील्ड की नहीं, लेकिन मैं आपको इन टोटल कहते हैं ना कि मैं आपको मार्क्स कैसे लाना नहीं सिखा सकती, पर मैं आपको सफल कैसे होना सिखा सकती हूँ, क्योंकि वहां मैंने काम किया है। तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तब आप टाइम पीरियड मत रखिए कि मुझे बनना है, ठीक है अब मेरी मेहनत चालू है। शॉर्ट है तो आप एक दिन के हिसाब से चलिए कि आज का दिन जरूरी है और आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे जो टारगेट्स आज के हैं वो पूरे करने हैं, फिर कल का कल देखेंगे क्या करना है वापस। अच्छा, मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे लिए, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन होती है कई बार, या हम उसके बारे में सोचते हैं, तो ये जो टेंशन होती है ये सही है होना या गलत है? और अगर ज़्यादा हो तो इसमें कहीं कंपैरिजन वाला जो पॉइंट होता है कि हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, उसमें बैलेंस कैसे किया जाए? और क्या आपकी लाइफ में ये कंपैरिजन होता है? जैसे आप भगवत कथा करती हैं तो इसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ कहीं कंपैरिजन होता है, और होता है तो आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम करते हैं? मैं तो कंपैरिजन में भरोसा नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान यूनिक है, उसके अपने तरीके हैं और वो अपनी जर्नी जी रहा है। मुझे बहुत पहले मेरे पापा ने एक सीख दी थी कि बेटा कोई किसी का काम नहीं छीन सकता, 365 डेज है, और उसमें काम चाहे, उस वक्त हम बात एक्चुअली इवेंट्स की कर रहे थे कि जो गाते हैं उनके लिए है, सिंगर्स है, तो नया 365 डेज में इमेजिन करो एक शहर में ही कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने प्रोग्राम, तो पूरी दुनिया में कितने होते होंगे। अब हर जगह एक व्यक्ति तो गाने नहीं जा सकता, तो काम सबके लिए बना है, सबके लिए बना है। जो एक को बुला रहा है वो उस वक्त वहां है तो उसको दूसरा नहीं बुला सकता, तो वो दूसरा किसी और को बुलाएगा, वो उस वक्त से वहीं रह सकता है, उसको तीसरा नहीं बुला सकता, तीसरा किसी और को बुलाएगा, तो तुम्हारा काम तो तुम्हारे ही पास आएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ये कंपेयर करना मैं मानती नहीं, और मेरे फील्ड के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानती, क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक बिजनेस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूर्ण तौर से कमर्शियली काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप एक चेंज लाने की जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर सच में मुझे कोई चेंज लाना है और मुझे उन्हीं लोगों से प्रॉब्लम हो रही है जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं, तब मुझे चेंज नहीं लाना, तब मुझे सिर्फ ये है कि मैं चेंज लाऊं, यानी सम्मान मेरा हो, चेंज सिर्फ मेरे हाथों हो, तो यानी कहीं ना कहीं मैं अपने उद्देश्य से भटक रही, इसीलिए मैं उन्हीं लोगों से जल रही हूँ जो अच्छा ही काम कर रहे हैं, जो मेरा हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसे हर जगह नहीं जा सकती तो वो मेरा काम वहाँ कर रहे हैं, उनका काम मैं यहाँ कर रही हूँ, तो हम तो बिल्कुल ही एक दूसरे से नहीं जल सकते। तो जैसा आपने कहा कि आप कोई भी काम ये सोचकर आपको टेंशन हो रही है कि वो कैसा कर रहा है, ये टेंशन एकदम गलत है।
आपको ये आपको छोड़ना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, किसी और से बेहतर मत बनिए, अपने आप कल आप ऐसे थे उससे बेहतर, उससे बेहतर अपने आप को रोजाना बेहतर करने का काम करिए। मैं कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ, काम मत करो, वैराग्य ले लो, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो। काम करिए, व्यापार करिए, खूब धन कमाइए, अपनी लाइफ अच्छे से जिए, अपने सपने पूरे करिए, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दीजिए, लेकिन अपने ऊपर काम करके, किसी और को नीचे गिरा के, किसी और का काम रोक कर, किसी और से नफरत करके, जल के, तो आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति, उसके पास पूरी दुनिया की सक्सेस भी होगी ना, वो अपने घर में रो रहा होगा, तो वो सक्सेस का कोई मतलब नहीं होगा। इससे ज्यादा खुश शायद एक कुटिया में कोई आदमी होगा, वो दो रोटी खा रहा होगा लेकिन वो खुश होगा कि उसको पड़ी नहीं उसका बगल वाला क्या कर रहा है। बगल वाला तो ये छोड़ दीजिए, काम मेहनत पूरी करिए जितना आपको चाहिए। आप, मैं कभी नहीं कहूंगी आप बहुत सैटिस्फाइड हो जाइए, बस इतना ही नहीं, मत होइए, जितना काम करना उतना करिए, पर अपनी मेहनत करिए, अपने हिम्मत से करिए और अपने आप को बेहतर बना के करिए। एक मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि अपनी जर्नी में और अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं स्थान दिया करें, आप देते हैं अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को कोई जगह, और आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे उस पे? स्पोर्ट्स नहीं कहूंगी, पर हाँ मैं एक्सरसाइज को देती हूँ कि आप फिजिकली फिट रहने की कोशिश करिए। और घर पे रहूँ तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि चाहे ट्रेनर्स के थ्रू हो चाहे खुद के थ्रू हो, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहूँ। अगर मैं कथा में हूँ तो मैं रूम के अंदर कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकती क्योंकि अब इतने लोग आसपास रहते हैं, तो रूम के अंदर ही कोशिश करते हैं कि आप चाहे योगा कर सके या कुछ ना कुछ कर सके, पर आप फिजिकली फिट रहे। क्योंकि देखिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीन चीज़ें जब तक सही नहीं चलेगी तब तक इंसान का जो ये शारीरिक मशीन है ये काम नहीं करेगा ढंग से। कहीं ना कहीं तो इसको जंक लगेगा, चाहे दिमागी जंक लगेगा, शारीरिक जंक लगेगा या आध्यात्मिक जंक लगेगा, और एक बार लग गया तो मशीन खराब हो जाएगी। तो उसको ठीक रखने के लिए तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और वो एक्सरसाइज के साथ साथ खाना पीना भी हो। जैसे आपने अब जन्माष्टमी की बात, मैं ये नहीं मानती कि लहसुन प्याज खाते जो कहते ना कि पाप, वो पाप के लिए नहीं है जो भी आपको समझा रहे। आपके कुछ फूड्स जिसे हम तीन बताते, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये भोजन में भी होता है कि जब आप, इसलिए अब आपको देखिए फेस्टिवल्स है, भगवान का काम है, पूजा पाठ है, तो आपको लहसुन प्याज से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तामसिक खाना है, ये आपके अंदर एक अलग तरीके का हाइप क्रिएट करता है। इसलिए आप कभी देखिए आप चटपटा खाना जब खाते हैं आपका रिएक्शन होता है मजा आ गया, कभी भी आपको शांति महसूस नहीं होती। यही आप घर में सिंपल दाल चावल खा लिए आपको शांत सुकून मिलता है, तो खाने का भी असर होता है आपके ऊपर। तो जब आप भगवान का कोई काम करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि राजसिक बिहेवियर से दूर रहने के लिए तामसिक खानों से दूर रहिए, तामसिक बिहेवियर से दूर रहने के लिए तामसिक खानों से दूर रहिए। तो वो तामसिक खाना है, वो कोई पाप नहीं है, तो वो जो भी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जो संत रहते थे वो अधिकतर इस चीज का पालन करते थे, क्योंकि उनको इन फीलिंग से दूर रहना, तो उनको पूर्ण तौर से ही खाना बंद करना पड़ता था। जैसे अगर आप एथलीट्स को देखिए तो उनका एक डाइट चलता है। अब आप ये थोड़ी बोल सकते कि वो डाइट में वो फास्ट फूड खा लेगा तो पाप कर देगा, लेकिन उसको शरीर को हानि पहुंचाएगा, वो उसके एनर्जी लेवल को कम कर देगा, वो उसको ब्लोटिंग दे सकता है, वो उसको काम करने के लिए थोड़ा सा पीछे कर सकता है। वो हर तरीके के खाने के लिए होता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कब कैसे स्थिति में क्या खा रहे हैं। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो बच्चे आज के समय में तैयारी कर रहे हैं, लगभग हर बच्चे की उम्र 20 साल के आसपास है, और हर बच्चे की कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, कुछ हार्मोनिकल चेंजेज होते हैं, तो ये एक बेहतर एग्जांपल है कि आप अपने खाने को सात्विक बना के उन पर नियंत्रण पा सकते हैं, या एक बेहतर स्थिति की ओर तो जरूर ही जा सकते हैं। और मैम आप आए और बच्चों के साथ आपने इतनी सारी बच्चों की मन की बातें बताई, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने खुद पहली बार जानी, और एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए एक अच्छा पेरेंट्स बनना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक हम एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, हम एक अच्छे बच्चे का निर्माण नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हमें ये भी समझना होगा कि हम ये चाहें कि हमारा बच्चा बहुत ही बेहतर समाज की दिशा की तरफ जाए, या बहुत सांसारिक बच्चा हो, बहुत सांस्कृतिक बच्चा हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक रोल हमारी इच्छाओं का भी होता है कि हम एक साथ दोनों चीजें एक्सपेक्ट ना करें कि हमारा बच्चा कूल भी बने और
सांस्कृतिक भी बने और संस्कारिक भी बने बच्चा। हमें कहीं ना कहीं एक दिशा पकड़नी होगी और अपने बच्चों के को कहीं ना कहीं एक यंग उम्र में ही उनको एक अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैम एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आप अभी पढ़ती हैं? हाँ, कुछ किताबें, कुछ ऐसी चीजें जो आप हमें बताना चाहें जो पढ़नी चाहिए? मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती हूँ और साथ ही साथ मेरी स्पिरिचुअल किताबें कंटिन्यूसली चलती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्क्रिप्चर्स एक बार में या दो बार में कोई हमेशा के लिए नहीं समझ सकता। मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ लेकिन आज भी मुझे उसमें से कई नई बातें पता चलती है। गीता जी में मुझे आज भी, तो मैं रेगुलरली इन स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैंने वेद नहीं पढ़े हैं तो मेरी इच्छा है कि अब मैं उस पर काम करना शुरू करूं। और बाकी आप और भी राइटर्स हैं वो कुछ ना कुछ, मैं पढ़ती सबको हूं, मैं सुनती सबको हूं, फिर वो कितना रिलेटेबल है मेरी लाइफ पर, वो कितना मेरे लिए अच्छा कर सकता है, उसके बाद उसको फॉलो करती हूँ। फॉलो में पहली बार मैं नहीं करती, पहले मैं पढ़ लेती हूँ, सुन लेती हूँ, लेकिन अब वो कितना मेरे लिए अच्छा है ये मेरे रिसर्च के बाद काम शुरू होता है। तो पढ़ाई तो चालू है और हर क्षेत्र की चालू है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं हमसे किसी भी क्षेत्र का सवाल कर लिया जाता है और एक्सपेक्टेशन होती है कि इनको सब पता होना चाहिए, तो इसीलिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। नहीं, और आपका पैशन गजब का है, मैं देखता हूँ भगवत कथाएं आपकी टेलीविजन में, तो मैं देखता हूँ कि आपकी आंखों से आंसू आते हैं और बहुत बार मैंने देखा है, तो शायद तभी हो सकता है जब आप उसमें डीपली चले जाएं, उस जोन को क्रॉस कर जाएं जिस नॉर्मल जोन में है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको उन चीज़ों में आनंद आने लगे, आप उन चीज़ों को मन से करने लगे। और कहीं ना कहीं हर बच्चे को ये समझना होगा कि हमें पढ़ाई भी उसी जोन में जाके करनी होगी जहाँ हम कुछ नया सीखने का प्रयास करें, ना कि जो फल वाली चीज़ है कि एक फल को प्राप्त करना है इसलिए वो टारगेट की तरफ ना जाया जाए, बल्कि चीज़ों को सीखने में जो मजा आए उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।